नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपके अपने राधे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं राइस पैनकेक। इसके लिए हमने एक कटोरी चावल लिया था और जिसे मैंने पूरी रात भिगो के रखा है, मतलब हमें इसे ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। कम से कम 10 से 12 घंटे का हमें चावल को भिगो के रखना है। कोई सी भी किस्म का आप चावल इसमें ले सकते हैं। इसके बाद हम ये जो एक्स्ट्रा पानी है निकाल देंगे और इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो चलिए हम चावल को मिक्सी जार में शिफ्ट कर लेते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ एक टुकड़ा अदरक का और दो हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के टेस्ट को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़े से पानी से हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। चलिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है इस तरीके से, देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दो उबले हुए आलू। आलू आपको ठंडे लेने हैं, आप उबाल लें फिर उन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं दो उबले हुए आलू। इसका भी हमें पेस्ट बनाना है इनके साथ। और इसी के साथ मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच सूजी। आप चाहें तो सूजी को बाद में भी मिला सकते हैं, पर मैंने इसी में इसको पीस लिया है। हमारा जो बैटर है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक और एक अच्छा नाश्ता है। इसमें मैं मिला रही हूँ 1 पाउच इनो का, जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। चलिए हमने इनो को अच्छे से इसमें मिला दिया है और अब आगे की तैयारी करते हैं। हमें इसमें मिलानी है बहुत सारी सब्जियां। सब्जियां भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने इसमें जो सब्जियां ली हैं, हमने लिया है 1 प्याज, 1 लाल शिमला मिर्च, 1 हरी शिमला मिर्च और 1 गाजर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि हमने 2 हरी मिर्ची पहले भी इसमें पीसी है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी ही कुटी हुई लाल मिर्च मिलाई है। और इसके अलावा आप जो भी सब्जी पसंद करते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्न है, मटर है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 कटोरी भर के हरा धनिया भी बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। मैं इसमें और कोई मसाला नहीं मिला रही हूँ, ना हल्दी पाउडर है ना मिर्च पाउडर है। बस अब हम इसे तैयारी करते हैं सेकने की। 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में। आप चाहें तो इसे बटर या घी में भी सेक सकते हैं। उसी के साथ स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सफ़ेद तिल। अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर है तो इसे डालें, इससे इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। चलिए 1 करछी भर के मैंने इसमें इसे शिफ्ट कर दिया है। कोशिश करें कि इसे ज़्यादा मोटा ना बनाएं। वैसे मोटा भी इसे बना सकते हैं, पर मैंने इसमें 1 करछी ही डाला है। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे इस तरीके से। देखिए इसमें जो बबल्स आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैनकेक है वो एक तरफ से सिक कर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे पलट लेते हैं। उसी के साथ थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें और लगा रही हूँ चारों तरफ से। लीजिए दोस्तों, हमारा जो राइस पैनकेक है वो एक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा भी सेक कर लेंगे। थोड़ा सा तेल हम डाल रहे हैं और 1 करछी वापस से मैं इसमें इस बैटर को डाल रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे सेक लेना है। बच्चों के टिफ़िन के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें चाहे तो मैगी मसाला या ऑर्गेनो पाउच वो भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। मैंने भी लास्ट के 2 में डाल दिया था, क्योंकि बच्चों को मैगी मसाले का जो फ्लेवर है वो काफ़ी पसंद आता है। इस तरीके से हमने हमारा दूसरा पैनकेक भी रेडी कर लिया है।
और इन्हें चटनी सॉस किसी के भी साथ आसानी से खाया जा सकता है। और अगर ये सब ना भी हो तो आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं चाय कॉफ़ी के साथ। लीजिए दोस्तों, मैंने अपने सभी पैनकेक रेडी कर लिए हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। मिलती हूँ किसी और ऐसी ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।